हेलो, एग्रोनॉमी करंट। एग्रोनॉमी करंट मतलब आज अपन जो आइसोप्रोटीनोन है, ये आइसोप्रोटीनोन की गेहूं सा खरपतवार होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है फ्लेरिस माइनर, इसको गेहूं का मामा, गिल्ली डंडा और भी कई जो उपनाम है इसको जाना जाता है। फिर अपन इसके जो मेन करंट मुद्दा है वो ये है इसमें कि जो आइसोप्रोटीनोन जो है ना खरपतवार नाशक, इसका यदि अपन गेहूं सा पर यदि प्रयोग करेंगे तो इसके प्रति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रति प्रतिरोधकता खोज ली गई है। प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टेंट जो है वो खोज ली गई है। अब ये किसने खोजी है? तो हिसार के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर आर के मलिक जी द्वारा ये खोजी गई है। क्या खोजी गई है? गेहूं सा के प्रति आइसोप्रोटीनोन के प्रति प्रतिरोधकता हिसार के वैज्ञानिक डॉक्टर आर के मलिक जी द्वारा ये खोजी गई है। तो ये एग्रोनॉमी का करंट कुछ मुद्दा था। इसी प्रकार से इसी करंट चीज के लिए जाने जाने वाला मोहित शर्मा का एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल और एग्री बाय मोहित सर का टेलीग्राम चैनल, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान मिलने वाला नहीं है। तो प्लीज देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें, अभी टेलीग्राम पर सर्च करें एग्री बाय मोहित सर, आ जाएगा। लिंक से क्या ओपन नहीं होता टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लें एग्री भाई मोहित सर, वहाँ आ जाएगा। आपको फोटो उस पर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये अपन की करंट मुद्दा था इसी के बारे में। अब इसी से संबंधित ही जेट 2021 में यही क्वेश्चन आया है कि मतलब गेहूं सा के खरपतवार के प्री, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, लैंग्वेज थी उसकी, तो उस पर बिल्कुल हुबहू ऑप्शन ऐसे ही थे, बिल्कुल सेमेटिक ऐसा ही था कि मतलब किसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें आइसोप्रोटीन भी ऑप्शन में था, मेट सल्फर, तो उसका जो आंसर जाता, आंसर जो सही उसका जाता है वो, उसका आंसर यही सही जाता है, मेट सल्फर सल्फर रोम। यही के ही क्वेश्चन उसमें पुटअप हो चुका है जेट 2021 में। तो इसी प्रकार की करंट नॉलेज पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।